हेलो दोस्तों, आज हम आपको बोनी कपूर सर के प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताएंगे। बोनी कपूर ने 1981 में आई मूवी हम 5 से अपने प्रोड्यूसर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, सवाना आजमी, मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, राज बब्बर, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1,90,00,000। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,80,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमिट रही। 1983 में डायरेक्टर बापू की मूवी आई वो 7 दिन। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, पद्मनी कोलापुरी और नसरुद्दीन शाह शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1987 में डायरेक्टर शेखर कपूर की मूवी आई मिस्टर इंडिया। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, श्रीदेवी, सतीश कौशिक और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 5,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1992 में डायरेक्टर राजकुमार वर्मा की मूवी आई रात। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,40,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,10,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की मूवी आई एंथम। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में नागा अर्जुन, उर्मिला मातोंडकर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1993 में डायरेक्टर सतीश कौशिक की मूवी आई रूप की रानी चोरों का राजा। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, श्रीदेवी, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 9,00,00,000 रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1995 में डायरेक्टर सतीश कौशिक की मूवी आई प्रेम। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय कपूर, तब्बू और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 5,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1996 में डायरेक्टर डेविड धवन की मूवी आई लोफर। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, जूही चावला, गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 4,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 7,15,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12,57,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1997 में डायरेक्टर राज कन्वर की मूवी आई जुदाई। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला शामिल थे। इस मूवी का बजट 6,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 14,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 28,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1999 में डायरेक्टर अहतियान की मूवी आई सिर्फ तुम। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान और जैकी श्रॉफ शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 6,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। सन 2000 में डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की मूवी आई पुकार। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, ओम पुरी और डेनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 17,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 14,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 25,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल डायरेक्टर सतीश कौशिक की मूवी आई हमारा दिल आपके पास है। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और सोनाली बेंद्रे शामिल थे। इस मूवी का बजट 9,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 15,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 30,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2002 में डायरेक्टर ब्रो शुक्ला की
मूवी आई मेरे दिल से पूछो। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बॉनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय कपूर, ईशा देओल, जया बच्चन, अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 6,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की मूवी आई कंपनी। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओवरॉय और मनीषा कोइराला शामिल थे। इस मूवी का बजट 9 करोड़ रहा। भारत में कमाई 14 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 25 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल डायरेक्टर कृष्णा वंशी की मूवी आई शक्ति द पावर। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में नाना पाटेकर, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और संजय कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 10 करोड़ रहा। भारत में कमाई 9 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2003 में डायरेक्टर एस जे सूर्या की मूवी आई खुशी। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी का बजट 9 करोड़ रहा। भारत में कमाई 9 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 19 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2004 में डायरेक्टर जीवा की मूवी आई रन। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी का बजट 7 करोड़ रहा। भारत में कमाई 5 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल डायरेक्टर समीर की मूवी आई क्यों हो गया ना। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी का बजट 10 करोड़ रहा। भारत में कमाई 7,88,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11,50,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2005 में डायरेक्टर धर्मेंद्र दर्शन की मूवी आई बेवफा। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी का बजट 18 करोड़ रहा। भारत में कमाई 17 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 34 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल डायरेक्टर अनीस बज्मी की मूवी आई नो एंट्री। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी का बजट 24 करोड़ रहा। भारत में कमाई 45 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 75 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2009 में डायरेक्टर प्रभु देवा की मूवी आई वॉन्टेड। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी का बजट 52 करोड़ रहा। भारत में कमाई 60 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 93 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2010 में डायरेक्टर सतीश कौशिक की मूवी आई मिलेंगे मिलेंगे। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी का बजट 12 करोड़ रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 13 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2015 में डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा की मूवी आई तेवर। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी का बजट 56 करोड़ रहा। भारत में कमाई 36 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 57 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2017 में डायरेक्टर रवि उद्धावर की मूवी आई मॉम। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी का बजट 40 करोड़ रहा। भारत में कमाई 33 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 56 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2019 में डायरेक्टर एच विनोद की मूवी आई नरकोंडा पारवाई। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी का बजट 40 करोड़ रहा। भारत में कमाई 70 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 120 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2023 में डायरेक्टर एच विनोद की मूवी आई तुनुबु। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। इस मूवी का बजट 150 करोड़ रहा। भारत में कमाई 109 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 200 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल बोनी कपूर की आने वाली मूवी मैदान मूवी है। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, प्रिया मणि, कीर्ति सुरेश,
और अक्षय कुमार शामिल हैं। यह मूवी 23 जून 2023 को रिलीज होगी। दोस्तों, आपको बोनी कपूर सर का प्रोड्यूसर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो आपको किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर चाहिए, कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। दोस्तों, थैंक यू।